नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। यहाँ कानपुर रोड स्थित लोकबंधु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय के ब्लड बैंक में लगाई गई सिंगल डोनर प्लेटलेट्स एफरीसिस मशीन के संचालन के लिए विशेषज्ञों द्वारा ट्रेनिंग के साथ साथ मशीन का डेमो किया गया। लोकबंधु अस्पताल में इस मशीन का संचालन शुरू हो जाने से अब रक्तदान और रक्त की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना और भी आसान सुरक्षित हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। लोकबंधु अस्पताल के ब्लड बैंक में सिंगल डोनर प्लेटलेट्स एफरीसिस मशीन के संचालन की ट्रेनिंग के बाद ब्लड बैंक टीम और पैथोलॉजी टीम के समक्ष नई दिल्ली के तकनीकी विशेषज्ञों की टीम द्वारा एफरीसिस मशीन का डेमो किया गया। प्लेटलेट्स एफरीसिस मशीन के संचालन का शुभारंभ लोकबंधु चिकित्सालय के निदेशक और प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर सुरेश चंद्र कौशल ने किया। बता दें, लोकबंधु अस्पताल में अब सिंगल डोनर प्लेटलेट्स एफरीसिस मशीन लगने से ब्लड बैंक की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। चिकित्सालय में भर्ती गंभीर मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर जल्द से जल्द प्लेटलेट्स उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिससे मरीजों को जल्द से जल्द स्वस्थ किया जा सकेगा। मौके पर अस्पताल के निदेशक सुरेश चंद्र कौशल ने बताया, ये मशीन ब्लड बैंक के लिए अति आवश्यक थी। इसके लिए पूरी टीम ने बहुत प्रयास किया और मशीन के साथ 31 मई को मशीन का लाइसेंस भी प्राप्त हुआ। तब से ब्लड बैंक स्टाफ द्वारा इसे चलाने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा था। डॉक्टर सुरेश चंद्र कौशल ने कहा कि अथक प्रयासों का नतीजा रहा कि लोकबंधु अस्पताल में ये सुविधा शुरू हुई। उन्होंने बताया कि ब्लड बैंक में PRBC, FFP, RDP, CRYO, SDP की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि लोकबंधु चिकित्सालय लखनऊ में एकमात्र ऐसा अस्पताल है जिसे ब्लड सेंटर के सभी घटक पर लाइसेंस प्राप्त है। चिकित्सा निदेशक ने कहा, चिकित्सालय में समय समय पर रक्तदान के लिए अपील और संगोष्ठियों का आयोजन, रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। मौके पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजीव दीक्षित और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने सभी को बधाई दी। मौके पर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनिया धामी ने मशीन के संचालन डेमो में प्रशिक्षणकर्ता के रूप में भूमिका निभाई और सभी स्टाफ को प्रशिक्षित किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में चिकित्सालय प्रबंधक धनंजय प्रताप के साथ SLT SP उपाध्याय, SLT RK पांडे, धनंजय प्रजापति, विपिन उपेंद्र, रीता गौतम, पंकज चंदन, पवन वर्मा और लैब टेक्नीशियन देवेंद्र मौजूद थे। पांडे, धनंजय प्रजापति, विपिन उपेंद्र, रीता गौतम, पंकज चंदन, पवन वर्मा और लैब टेक्नीशियन मौजूद रहे। मैं डॉक्टर सोनिया धामी, मैं लोकबंधु राजनारायण हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट के पद पे तैनात हूँ। हमारे यहाँ पर ब्लड बैंक की सुविधा स्टार्ट हो गई है पिछले साल से। ये प्लेटलेट एफेरेसिस मशीन है जो इस हॉस्पिटल में अब इस समय लगा दी गई है। इसका लाइसेंस हम लोग को प्राप्त हो चुका है 31 मई 2024 में, और इस समय स्टाफ की ट्रेनिंग लगभग कम्प्लीट हो चुकी है और हमारे पास किट्स और रिएजेंट भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। और प्लेटलेट एफेरेसिस द्वारा हम लोग आने वाले समय में जो डेंगू के पेशेंट्स हैं या कैंसर के मरीज हैं, उनके उपचार में इससे बहुत हमें हेल्प मिलेगी। इस मशीन की खासियत क्या है? इसमें हम लोग पेशेंट का जो ब्लड डोनर जो होता है, अपना सैंपल देते हैं, ब्लड देते हैं, उस ब्लड के सारे कॉम्पोनेंट्स को अलग अलग किया जाता है। प्लेटलेट को अलग किया जाता है और प्लेटलेट हमारे जो इस्तेमाल करने के लिए उपचार में यूज होती है उसको सेपरेट करके बाकी कॉम्पोनेंट्स को पेशेंट या ब्लड डोनर जो होता है उसमें वापस लौटा दिया जाता है। तो हम एक प्लेटलेट पूल इकट्ठा कर लेते हैं जो आगे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन में हेल्प करता है। सर, लगातार देखा जा रहा है कि लोकबंधु हॉस्पिटल का ब्लड बैंक अगर आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, आज जो मशीन लगी है इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? अभी कुछ दिन पहले आपका ब्लड बैंक शुरुआत किया था हमने। ये एफरीसिस मशीन आई हुई है, मशीन को 3-4 महीने हो गए आए हुए, लेकिन चूँकि इसे एक तो इसको लाइसेंस मिलना था, लाइसेंस मिल गया है। और अभी एक ये सिंगल डोनर एफरीसिस मशीन है जिससे कि प्लेटलेट अलग की जा सकती हैं। और दूसरा ये है कि अभी आज जो है डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए दिल्ली से और हमारे लोकल लखनऊ से जो टीम है वो उन्होंने आकर के विभाग में सब कर्मचारियों को और डॉक्टर्स को जो है आज एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया है कि फ्यूचर में कैसे काम करना है। और आगे जो हमको किट अवेलेबल हो जाएंगे और हमारे पास पेशेंट होंगे तो हम इसको जो है पूर्ण रूप से संचालित करेंगे। इसका संचालन में लगभग कितना समय लग जाएगा? अब एक्चुअली कुछ इश्यूज़ हैं इस पर कि इस पर जो है वो इसका शुल्क कितना लिया जाना है, शुल्क निर्धारण किया जाना है जो कि महानिदेशालय और शासन स्तर पर लंबित है। तो जैसे ही वो वहाँ से इसको फाइनल हो जाता है यहाँ पर हम काम शुरू कर देंगे। इस ब्लड बैंक को लेकर आगे की क्या योजनाएँ हैं?
अब ब्लड बैंक में ये सिंगल डोनर आई है, आगे इसको चला करके देखते हैं इससे हम कितना फ़ायदा दे सकते हैं जनता को। आगे मल्टीपल डोनर की अगर बात होगी तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा। फिलहाल देखा जाता है कि छोटे बड़े ऑपरेशन को लेकर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और मरीज इधर उधर दौड़ते हैं काफ़ी। जब से यहाँ ब्लड बैंक बना है तब से काफ़ी लोगों को राहत मिली है। इस दिशा में आम जनमानस से, यहाँ के मरीजों से, तीमारदारों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए ब्लड डोनर को, या ब्लड डोनेशन के विषय में जो लोगों के गलत फहमी है कि खून देने से जो है वो बीमारी हो जाती है, कमजोरी आती है, परेशानी बढ़ती है, तो एक इसके लिए जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। और मेरा उनसे सबसे अनुरोध है कि ये कोई उससे कोई कमजोरी नहीं होती है आपके, एक निश्चित समय में फिर आपकी जो आपने जो ब्लड दिया हुआ है वो फिर पूरी तरह से शरीर में बन जाता है, तो उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप जब जो रक्त देते हैं किसी को, तो एक रक्त नहीं देते सिर्फ जीवन दान देते हैं किसी को। जागरूकता के लिए देखा जाए कि अभियान चलाया जाना चाहिए, तो क्या कैसे ऐसी कोई योजना चलाए जाते हैं? अभियान चलाए जाते हैं, सरकार की तरफ से प्रोग्राम आते हैं इसको जन जागरण के लिए, और हमारे पास अपनी टीमें भी होती हैं जो कि जाती हैं फील्ड में, वो करती भी हैं जन जागरण, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से किए जाने की आवश्यकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।